ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ दाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और इस joint session का आर्टिकल क्या है ये भी बताइए तो जब होता होता है तो उसको करते हैं, speaker. Joint session होता है तो तो उसको करते हैं वो लोकसभा के जो हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेशन कंडक्ट होता है प्रेसिडेंट टू गिव इज एसेंट टू बिल द नंबर इज आर्टिकल प्रेसिडेंट हिज एसेंट टू बिल्स देते हैं आर्टिकल के तहत

लॉटरी लॉटरी ऑर्गेनाइज होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है आपको ऐसे जो भी टॉपिक नज़र आ रहा है ना आइटम जैसे लॉटरी हुआ अब देखो पूरे जो राज्य है लॉटरी क्या हर राज्य में अलग सिस्टम के तरह तहत चलती है अगर चलती है तो वो स्टेट सब्जेक्ट होगा सो so, लॉटरीज देखो डिफरेंट होता है केरला साउथ में डिफरेंट वेस्ट बंगाल तो लॉटरीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट का है यूजुअली जो सेंट्रल लिस्ट होता है तो फिर वो ऑल ओवर इंडिया सेम चीज चलता है उसका सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हाट टू रिपोर्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन सरकारिया कमीशन है सेंटर और स्टेट रिलेशन पुंची कमीशन किस लिए है आप बताना सेकंड एआरसी ने भी क्या कुछ बोला था सेंटर स्टेट रिलेशंस में आंसर ये जो वर्ड है पार्लियामेंट ये एक फ्रेंच वर्ड पार्लर से बना है और इसका नाम होता है इसका मतलब होता है टू टॉक सो दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए डिबेट होनी चाहिए कलेक्टिव विजडम निकल के बाहर आनी चाहिए पार्लियामेंट हाउ मेनी एम पीज ऑफ लोकसभा शेल सपोर्ट अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर तो नो कॉन्फिडेंस के लिए कम से भी कम फिफ्टी फिफ्टी लोकसभा मेंबर को वहां पर सपोर्ट जरूरी होता है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को इन दोनों पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इम्यूनिटी प्रोवाइड है और ये exemptions दिया है आर्टिकल 361 में तो जॉइंट सेशन इज बाय स्पीकर आर्टिकल 11 में एस एन टू द बिल आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट एडवाइस सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्ट लिस्ट रेलवे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में लॉटरी सेंटर स्टेट रिलेशन की सरकारिया कमीशन पार्लियामेंट वर्ड है फ्रेंच वर्ड पार्लर टू टॉक 50 एम लोकसभा होने चाहिए फॉर नो कॉन्फिडेशन कॉन्फिडेंस मोशन और आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी एग्जामशंस मिलते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कल हमने सिटीजनशिप देखा था आज हम क्विकली देखते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन है आर्टिकल 13 क्या है आप बताओ आर्टिकल ट्वेल्व एंड आर्टिकल थर्टीन ये है तो फंडामेंटल राइट right की कैटेगरी में ही इन सबको आर्टिकल ट्वेल्व थ्री फाउंडेशन बनाते हैं ट्वेल्व और थर्टीन फोर्टीन से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी चौदह से अठारह तो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये जो है ये है राइट टू इक्वालिटी फोर्टीन क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक डाइसीज के प्रिंसिपल होते हैं इसका एक टॉक सीरीज का वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में देखना उसमें डाइसी का ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है सो हैव लुक एट दैट वीडियो मिनट का है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पंद्रह क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल फिफ्टीन में सिक्सटीन बोलता है अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस है आर्टिकल सेवनटीन में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिटरी एंड अकेडमिक ये है आर्टिकल एटीन में एक्चुअली ब्रिटिशर्स बहुत सारे टाइटल्स भी देते थे उन सबको बंद कर दिया गया क्योंकि आइडिया ये था सबको बराबर करना है यूनिफॉर्मिटी इक्वलिटी होना चाहिए तो चौदह इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पंद्रह प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होगा सिक्सटीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेवेंटीन है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस अलाउ नहीं होगी देन एटीन है जो टाइटल्स हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक वो नहीं होंगे जैसे आप डॉक्टर हो तो यू कैन राइट अकेडमिक और मिलिट्री लिख सकते हैं बट इसके अलावा कोई टाइटल नहीं सो ये है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन टू ट्वेंटी टू में फ्रीडम आता है है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स है आर्टिकल नाइनटीन में इसमें राइट्स हैं फ्रीडम दिया हुआ है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का असेंबली का एसोसिएशन का मूवमेंट का रेसिडेंस का प्रोफेशन का दीज आर दीज आर मेंशन इन आर्टिकल नाइनटीन ट्वेंटी में है प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज ऑफेंसेस किया है देन ऑल्सो यू हैव गॉट सर्टेन राइट्स 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है 21 ए अमेंडमेंट के थ्रू आया है एलिमेंट्री एजुकेशन 22 में अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड केसेस प्रोटेक्शन दिया हो, तो ये क्या हुआ फ्रीडम दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन रेसिडेंस मूवमेंट प्रोफेशन कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एजुकेशन अरेस्ट एंड डिटेंशन तो ये हो गया 22th 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड बातें हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर बींगा मजदूरी नहीं चलेगी ये है 23 में बच्चों को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोहिबिशन होगा यह है 24 में एज क्या है यहां पे बच्चे कितनी एज के डिफाइन किए गए हैं आंसर ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज इन ट्वेंटी 26 में है रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो आप दिस इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ट्वेंटी फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन एक टाइम था जब रिलीजन के बेसिस पे टैक्स देना पड़ता था वो अब इंडिया में नहीं है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये हो गया ट्वेंटी तो 25 क्या हुआ कॉन्शियस प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन 26 हुआ रिलीजियस अफेयर 27 हुआ पेमेंट ऑफ टैक्सेस 28 हुआ वर्शिप एटसेट्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो ये हुआ 25 टू ट्वेंटी होता है कल्चर और एजुकेशनल राइट्स हैं लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर माइनॉरिटी अपना प्रोटेक्ट कर पाएंगे ट्वेंटी माइनॉरिटी अपना एडमिनिस्टर एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो ये दोनों चीजें हैं ट्वेंटी और थर्टी में थर्टी वन रिपील थर्टी टू को हार्ट एंड सोल बोला जाता है और इसमें लिखा है एनफोर्समेंट बिकॉज फंडामेंटल राइट अगर एनफोर्स नहीं होंगे तो उनकी यूटिलिटी क्या है तो थर्टी टू इज हार्ट एंड सोल अकॉर्डिंग टू बाबा साहब बी आर अम्बेडकर एनफोर्समेंट तो एनफोर्समेंट के लिए रिट्स आते हैं हेबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन सर्टी और वॉरंटर्टी टू में है ओके okay? तो ये क्विकली हमने रिवाइज किए सारे फंडामेंटल राइट्स गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है गैंगेटिक सिस्टम ये हमने ऑलरेडी आंसर राइटिंग भी किया है इसको क्विकली रिवाइज करते हैं देखो बहुत सारी जो रिवर्स है ना वो ऐसे मिलके फिर एक स्ट्रीम मिलके बनती है एक्चुअल में गंगा जैसे विष्णु प्रयाग है धौली गंगा कर्ण प्रयाग है पिंडार नंद प्रयाग है नंदाकनी। ये ऐसे करके आके मल मिल रही है अलकनंदा बन रही है अलकनंदा रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और इधर एक और रिवर आ रही है देव प्रयाग से भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से ओके okay, उत्तराखंड हिमालय गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी तो अलकनंदा मीट्स भागीरथी दिस एट देव प्रयाग और अलकनंदा भागीरथी से जब मिलती है तो वो बनती है दिस गंगा तो गंगा कब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनती है गंगा ओके okay? तो अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग ये नाम याद नहीं रखने बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि अगर सेटर आ गया तो बन जाएगा अलकनंदा नंदाकनी, नंद प्रयाग अलकनंदा मंदाकनी, रुद्र प्रयाग अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देव प्रयाग और ये बनती है गंगा गंगा जो है अब ये प्लेन में आ गई है ऋषिकेश हरिद्वार में प्लेन पे आ गई है, है ना और यहाँ पर उत्तराखंड और इधर दिस इज बैराज बने हुए हैं तो यहाँ पर अपर गंगा कैनाल है हरिद्वार में फिर ये साउथ वो ईस्ट आती है हरिद्वार से बिजनौर नरोरा फरुखाबाद बिजनौर में एक बैराज है और यहाँ मध्य गंगा है नरूरा में बैराज है लोअर गंगा है फरुखाबाद कन्नौज कानपुर फतेहपुर सौरा ये सब यूपी में आ गई है कन्नौज में राम गंगा मिलती है काली गंगा को कन्नौज में मिलती है राम गंगा ये ऊपर नॉर्थ से आ रही है देन अलाहाबाद आता है अलाहाबाद में आती है एक और इम्पोर्टेंट रिवर जो है यमुना वैसे तो तीन रिवर आती है तीसरी रिवर कौन सी आंसर यमुना है यमुना यमुनोत्री से आ रही है अब यमुना क्या करती है जो भी सेंट्रल इंडिया की रिवर्स है उसका पानी कलेक्ट करके ला रही है चंबल बेतवा केन सिंध हिंडौन और ये यमुना मिलके अलाहाबाद प्रयागराज में दिस मिलती है गंगा में फिर मिर्जापुर वाराणसी गाजीपुर ये सब यूपी चल रहा है फिर आता है पटना पटना में सोन रिवर आती है सोन रिवर आती है फिर पटना बिहार आ गया बिहार में ही गंगा में पुनपुन घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी ये सारी रिवर है ज्यादातर रिवर्स ये जो है ना वो ऊपर नेपाल से आ रही है फिर भागलपुर आता है राजमहल हिल्स निकलता है पाकुर झारखंड में आती है तो झारखंड से भी गंगा फ्लो होती है ये भूलना नहीं है झारखंड से भी है पाकुर से फिर फरक्का आता है वेस्ट बंगाल फरक्का में दो ब्रांचेज हो जाती है एक पदमा और एक हुगली हुगली इंडिया में रहती है हुगली फिर भागीरथी और फिर बे ऑफ बंगाल दिस अपना डायमंड हार्बर कोलकाता दिस इज हुगली पदमा जो होती है ये जाती है वेस्ट बंगाल में और यहाँ जमुना मिलती और इस तरीके से बांग्लादेश और ये पूरा बनता है डेल्टा ऑफ सुंदरबन तो ये है गंगा का रिवर सिस्टम गंगा इस तरीके से फ्लो होती है इसको मैं शेयर करूंगा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना ये जो एनसीईआरटी का ड्रेनेज चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री से हर साल सवाल आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओके अब इसी का टेक्स्ट फॉर्मेट है गंगा दो हेड स्ट्रीम से अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में लेफ्ट बैंक क्या है रामगंगा गोमती घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी राइट right बैंक है यमुना सोन भागीरथी हुगली ये डिस्ट्रीब्यूटरी देखो दो वर्ड होते हैं एक होता है ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है चढ़ावा देना तो ट्रिब्यूटरी मतलब मेन रिवर पे वो अपना पानी ला ट्रिब्यूट दे रही है तो ट्रिब्यूटरी होगी डिस्ट्रीब्यूटरी होता है बांटना जब रिवर का एंड आ गया है ओल्ड एज आ गया समुद्र के पास है तो वो पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर तो फरक्का में डिस्ट्रीब्यूट यमुना सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये बंदर पूंछ ग्लेशियर्स है इसमें चंबल सोन बेतवा केन ये सब यमुना में सोन गंगा नियर पटना मिल रही है रामगंगा लेफ्ट बैंक है फरुखाबाद में घाघरा है ये लेफ्ट बैंक है छपरा बिहार में देन रिवर में गंडक है गंडक अगेन चंपारण में मिल रही है लेफ्ट बैंक है कोसी जो है सौरो बोलते हैं इसे सौरव ऑफ वॉट है कोसी आंसर तो ये जो सॉरी सौ, कोसी है ये भागलपुर में मिल रही है दामोदर है ये सौर ऑफ बंगाल है

यहाँ ग्रिड प्लान सिटी है तो दैट इज वाई आईवीसी को अपन वेल प्लान सिटी बोलते हैं ग्रिड प्लान सिटी है कॉफिन का बरियल है सेमेटरी है एच एलियन पीपल का वर्जिन गॉडेस ये वर्शिप करते थे स्टोन के सिंबल्स मिले हैं लिंगम और यूनि के क्ले फिगर्स है मदर गॉडेस का वीट और बार्ले वुडन मोल्टार में मिला कॉपर स्केल है डाइस है वैनिटी बॉक्स है कॉपर मेड मिरर है और वर्कमैन क्वार्टर है इफ यू लिव इन दिल्ली तो एक बार नेशनल म्यूजियम हंड्रेड परसेंट आपको देखना चाहिए वहां पर बहुत अच्छे से ये सारी चीजें विजुअलाइज है एक तो नेशनल म्यूजियम और दूसरा साइंस म्यूजियम ये दोनों बहुत अच्छे हैं दिल्ली में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं इंडस में है ये ओके इंडस ये रावी मॉन्ट पंजाब इधर थी मोहनजोदाड़ो इंडस में है लरका नाम में यहाँ क्या मिला यहाँ ग्रिड प्लानिंग मिलती है शहर बहुत सिस्टमेटिक बनाया उन्होंने ग्रेट ग्रैनरी ग्रेट बाथ है कहां पर मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ असेंबली हॉल है शेल स्ट्रिप्स है पशुपति महादेव का यहाँ पे एक सील एंड स्टैचू मिला है ब्रोंज इमेज डांसिंग गर्ल है यहाँ पे ब्रोंज इमेज स्टेटाइट है बियर्डेड मैन का ह्यूमन स्केलेटन भी मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि इनका इन्वेजन या मैसकर हुआ एक थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी चलती है बट उसका कोई प्रूफ नहीं है प्राइमरली जो हम अग्री करते हैं जिस बात पे वो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ नेचुरल क्या नेचर इनका जो पानी चेंज हो गया तो इस तरीके से रिवर चेंज हो गया कोर्स नेचुरल के कारण ये सिविलाइजेशन का डिके हुआ चाहूदारो अगेन इंडस में है यहाँ सीटा डेल मिला है इंक पॉट है लिपस्टिक मेटल वर्क ऑर्नामेंट्स ये म्यूजियम में इतना अच्छे से दिया है ना इन सारी चीजों का विजुअलाइजेशन एक बार आपको जरूर देखना है दैली नहीं जा सकते तो एक बार नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट आप अच्छे से देख लेना है, है, का। है, तो है कालीबंगन फेमस है घग्गर रिवर पे है ये यह। यहाँ प्री हड़प्पन हड़प्पन फेस है तो यहाँ पे कैमल बोन्स व्हील्स मिला है ऑफ अ टोटामिया की सिलेंड्रिकल सील है कल देखा था ना टिग्रिस रिवर पे इराक मैसोपोटामिया के साथ भी ये क्या करते थे ट्रेड करते थे तो ये मिला काली बंगन में और व्हील्स मिला है टॉय कार्ट का लोथल इज वेरी फेमस लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है ये वर्ल्ड का मैन मेड पोर्ट डॉकयार्ड है ब्रिक्स है जार प्रिंटेड जार है बीड मेकर है बीड ऐसे बनाते थे ये राइस हस्क मिला है फायर ऑल्टर मेजरिंग स्केल चेस पे मिला है चेस खेलते थे ये टेराकोटा है अब ये जो बात है ना फिगराइन ऑफ हॉर्स इसमें डिबेट है एक्चुअली पूरा एंशियट इंडिया में ना बहुत चीज क्लियर कट नहीं होता है डाउट्स होते हैं इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है तो कुछ लोग बोलते हैं वो हॉर्स इंडस वैली नहीं जानती थी सम पीपल से हॉर्स जानती थी बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी हॉर्स नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये भी एक रीज़न है आप देखो हिस्ट्री में ना एंशियन से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्लैरिटी कम है मॉडर्न से ज्यादा सवाल आते हैं बट ऐसा भी नहीं है कि बेसिक हमें नहीं आना चाहिए तो बेसिक के लिए हम इसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं डबल बरियल है मेल फीमेल पर्शियन इरानियन सील भी है तो ये मिला लोथल में बनवाली में क्या मिला यहां पे भी प्लो क्ले मदर गॉडेस मिला बार्ले एंड राइस मिला यहां ड्रेनेज नहीं था प्रॉपर सुरखोतदा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब ये सवाल आया था तो ये एग्जाम्पल दिया था एनसीआर में भी लिखा है बोन्स ऑफ हॉर्से मिले बट वहां क्या लिखा था सवाल में वो लिखा था क्या उन्होंने डोमेस्टिसाइजेशन किया था हॉर्स का उसका आंसर तो नो आया फिर हॉर्स उन्होंने डोमेस्टिक नहीं किया था तो बीड मेकिंग है ओवल ग्रेव है पॉट बरियल है गुड यहाँ पर सुक्ताजन ये बात के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है शुरू के दो पांच याद होने चाहिए बस हड़प्पा बेबीलोन मैं इसलिए सेलेक्टिव होने को बोलता हूँ एंशियन और मेडाइवल वगैरह में आर्ट एंड कल्चर में बिकॉज यहाँ पे बहुत कम होती है कहने को कुछ भी पूछा जा सकता है यूपीएससी आपको नहीं आता तो नहीं आएगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं अगर लो हैंगिंग फ्रूट है ईजी सवाल आ गया है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए इसीलिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं ईजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो सब सही कर रहे हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए जो सब गलत कर रहे हैं वो तो सभी गलत कर रहे हैं आपको भी नहीं बन रहा इट्स ऑल राइट क्योंकि ये एग्जाम्स होते, है होते हैं ना ये रिलेटिव होते हैं रिलेटिव होते हैं तो जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा दैट्स ऑल बेरा धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए यूनिक वाटर मैनेजमेंट है लार्जेस्ट साइट है लार्ज वेल एंड बाथ का अभी यूनेस्को में भी धोलावीरा थ्री पार्ट सिटी था कल्चरल स्टेजेस है यहाँ पर सिविल के भी इंस्क्रिप्शन स्टेडियम है रंगपुर में राइस है कोट डिजी है सिक्सटीन लेयर्स अलाइन स्ट्रीट मेटाली है मदर गॉडेस के भी फिगराइन है रोपर में भी मड ब्रिक मिला है तो इसको एक बार आप क्विकली ये बस एक जनरल आइडिया हो जाना चाहिए बालाकोट है प्री हड़प्पन है यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है आलमगीरपुर में है देन मांडा है तो राखी गढ़ी इज अगेन इम्पोर्टेंट हरियाणा की बहुत बड़ी साइट है तो ये कुछ साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको हमने तीन चार पार्ट में किया है पहले हमने बेसिक्स देख लिया ये इंपॉर्टेंट साइट्स देख लिया अब आने वाले वीडियोस में इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सेट्रा कर लेंगे तो इस तरीके से एंशेंट हम पूरा कर लेंगे इंपॉर्टेंट आईवीसी वी गुप्ता और दस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये सबसे हाई है ये एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे सर ओके अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ये जो मिनिस्ट्री है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होती है और जितना भी डेटा हम पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो सब इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है कवरेज क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहां पे देखती है सी पी आई डब्ल्यू पी आई ऐसे बहुत सारे इंडेक्स जो होते हैं उसके पीछे जो डेटा कलेक्शन एंड नॉल है उसमें इसका इंपॉर्टेंट वर्क होता है साइंटिफिक सैम्पलिंग मैथड्स ये यहाँ पे देखती है तो एमओ एस पी आई है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है नाइनटीन नाइनटी नाइन से डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मर्जर हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का तो ये बनी थी एक होता है एन एस ओ एन एस ओ क्या होता है गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया पहले सी एस ओ था और एन एस एस ओ था इन दोनों को मर्ज कर दिया मिनिस्ट्री के अंदर और एक नया बनाया दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की सिंगल एंटिटी बना दी दो हजार उन्नीस में तो सी एसओ सी बोला सेक्रेटरी ऑफ इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल जो है वो इसके सैंपल सर्वे में ऑल इंडिया बेसिस पे जिम्मेदार होते हैं तो वॉट इज दिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एन एस एसओ सी मिलके एन बना और ये एम ओ एस पी आई ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन एक देखने वाले हैं जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स है आर कौन सा कर रहा है सी कौन दे रहा है ऐसे रिपोर्ट्स कलेक्शन है उधर हम इन सब मिनिस्ट्रीज का नाम अभी आगे देखेंगे ओके अभी मार्च भी एंड नहीं हुआ है अभी बहुत टाइम है हम इसको बहुत स्पीड से अभी दो महीने हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे सारा अप्रैल एंड मे के ड्यूरेशन परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है ये एक टर्म है जैसे यूएस में देखो यूएस में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे वन लाख डॉलर अगर तनख्वाह मिल रही है तो बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया में हम उसको रिलेटिवली उतना अच्छे से उस पैसे में नहीं रह पाएंगे तो द पॉइंट इज डायरेक्ट हम कंपेरिजन नहीं कर सकते रुपी एंड डॉलर का परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है ये वही टर्म होता है जिसमें दो इकोनॉमी को कंपेयर किया जा सकता जैसे इंडिया की एबसोलूट टर्म में इतनी रैंकिंग हाई नहीं आती बट पीपीपी अगर हम देखें इकोनॉमी तो इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी Power ये जो टर्म है ना इसको गुस्ताव कैसल 1918 इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कंट्रीज मतलब कि आसान भाषा में आपके पैसे में आप कितना सामान खरीद सकते हो इंडिया में सेम पैसे में आप कितना सामान खरीद सकते हो यूएसए में इससे हमें कंपैरिजन बैठाएंगे जो होगा परचेजिंग पावर पैरिटी आपके पैसे की परचेजिंग पावर कितना है प्राइसेज आर एक्सप्रेस इन द सेम करेंसी देखो पीपी पी जो पी जो एक्सचेंज रेट होती है इससे हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली एक गुड्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का दो डिफरेंट कंट्रीज में ये आईएमएफ ने 1988 में फर्स्ट यूज किया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट कंट्रीज में बताने के लिए जैसे आप देखो मैक मैकअप लो जैसे आईफोन ही लो नाइन डॉलर का वो मिल रहा है यूएसए में है ना नाइन नाइन डॉलर का है बट इंडिया में तो बहुत महंगा हो जाता है वो सो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रहा है कि रूपी टू दिस हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हैं हम एक जनरल पैरामीटर ले रहे हैं और देख रहे हैं इतने पैसे में इस स्टैंडर्ड में कितना चीजें वापस गुड्स एंड सर्विसेज आ सकती है तो ये कहलाता है परचेजिंग पावर पैरिटी अगर पीपीपी की बात करें तो इंडिया की ऑब्वियसली रैंक बहुत आगे हो जाती है इकोनॉमी के टर्म पे तो पीपीपी डिफाइंड है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंट्रीज करेंसी रिक्वायर टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट एज डॉलर वन वुड बाई इन दूनाइटेड स्टेट तो एक बर्गर के हिसाब से इसको बना दिया गया था एक डॉलर का वो बर्गर जैसे वहां पे आ रहा है यूएसए में तो इंडिया में वो कितने चीजें कितने का आ रहा है उसके हिसाब से रेशियो बना के हम कंपेरिजन कर लेंगे इंडिया और यूएसए की करेंसी का कंट्री की इकोनोमी का तो पीपीपी है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इंडिय की करेंसी जैसे रूपी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इंडिया की करेंसी बर्गर डोमेस्टिक मार्केट में जितना एक डॉलर का आता है यूनाइटेड तो कंपैरिजन आ गया यूएस का और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन, तो ये हो गया पीपीपी फॉर एग्जाम्पल हमें तीस रुपए स्पेंड करने पड़ रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो यूएसए में एक डॉलर पे बिक रहा है तो पीपीपी एक्सचेंज रेट में एक डॉलर हो गया तीस बट एक्चुअल में एक डॉलर जो होता है वो उसे सत्तर अस्सी तक जा रहा है दैट इज डिफरेंट PPP का ये एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग ओके तो दिस इज पावर पैरिटी अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट का प्राइम फोकस होता है इसमें वेलफेयर वुमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है इट मींस गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर सेटअप है फॉर्मल सेटअप है हॉस्पिटल है वहां अगर बर्थ हो रहा है तो उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं जहां ओवरऑल सुपरविजन है ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ पर्सनल है वहां पे ट्रेन है तो वो होगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ये अवेलेबिलिटी ऑफ टू हैंडल द सिचुएशन एंड सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड हमारे अक्सर ऐसा देखने को होता है कि चाइल्ड बर्थ में लेबर के टाइम पे मदर एंड चाइल्ड लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो दैट इज वाई अगर वो प्रॉपर हॉस्पिटल है वहां पे सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी ट्रेन स्टाफ होगा तो ये जो चीज़ है इसको हम जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसको अवॉइड कर सकते हैं तो दैट इज़ बाय हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाता है द शेयर ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज हुआ है 88.6 परसेंट ये बात बोला एन एफ एच एस फाइव ने विच इज़ गुड हम इतना फोकस किया है गवर्नमेंट दैट इज बाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के नंबर बढ़े हैं कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है एस डी जी एम हमें को सेवेंटी करना है बाय ट्वेंटी थर्टी एम क्या होता है आंसर मेटरनल मोर्टैलिटी रेशियो कितने परसेंट पे कितने नंबर पे कैलकुलेट होता है आंसर एम हमको सत्तर लाना है बाय ट्वेंटी थर्टी के अंदर हम इसमें लैग कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया का बेटर हो रहा है बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राज्यों में बराबरी नहीं है एक तरफ केरला है टू अहेड दूसरी तरफ से बिहार या वेस्ट बंगाल पीछे हो जाते हैं तो इक्वालिटी नहीं है हमारे यहाँ तो ओवरऑल अगर नंबर आ भी जाएगा, बट हमें राज्यों के बीच में भी एक एस्टेब्लिश आपकी हिंदी, हिंदी अच्छी होनी चाहिए आपको स्कीम्स में कभी डिफिकल्टी नहीं होगी इसका मतलब आपको पता है जननी जिसने जन्म दिया उसका सुरक्षा करना है योजना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वर फर्स्ट बाई बाय 2005 अंडर जननी सुरक्षा योजना इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया गया कि आप मेडिकल फैसिलिटी में जाओ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ हम आपको पैसे देंगे जैसे आजकल कारपोरेट भी क्या करता है आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो हम आपको इतना कैश बैक देंगे तो ये तरीका होता है बिहेवियर लोगों का बिहेवियरल चेंज लाने का तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करो हम आपको इतना पैसा देंगे तो एनकरेज करना है पॉजिटिव चेंज एटीट्यूड एथिक्स में पढ़ते हैं ना दिस इज दैट तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इम्प्लीमेंट हुआ है ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फेंट मोर्टैलिटी को मटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी को कम करना कैसे कम करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना तो ये जननी सुरक्षा योजना हुई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है ये हुआ था 2011 में लॉन्च फ्री एंड कैशलेस सर्विस होगा अगर आप यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आ रहे हो आप नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सीजेरियन ऑपरेशन है सिक न्यू बॉर्न अप टू थर्टी डेज आफ्टर बर्थ आपको एब्सोल्युटली फ्री और कैशलेस सर्विसेज गवर्नमेंट में प्रोवाइड करेगी फिर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंटी नटाल एंड पोस्ट नटाल पीरियड सिक इन्फेंट अप टू वन ईयर ऑफ एज में भी जो ट्रीटमेंट है वो सब इस स्कीम में आएगा अब थर्ड है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अब देखो शब्दों में जाओ सुरक्षित मातृत्व है तो इसमें क्या है मतलब डिलीवरी है अब उसके बाद का जो है अप टू नाइन्थ नाइन्थ ऑफ एवरी मंथ आपको सारी सर्विसेज यहाँ मिलेगी एंटी नटाल चेकअप होगा नाइन्थ ऑफ एवरी मंथ में ट्रीट करेंगे केसेस बिकॉज अक्सर हो जाता है इसको दूर करेंगे तो दिस इज एंटी नटाल चेकअप चेकअप प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है अब ये क्या है ये मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है फर्स्ट जनवरी 2017 से सारे राज्यों में आया कैश इंसेंटिव भी दिए जाते हैं लक्ष्य प्रोग्राम क्या है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट असेस इनिशिएटिव लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव जहां लेबर है जहां पे बर्थ का डिलीवरी बच्चे का डिलीवरी हो रहा है उधर बेटर फैसिलिटीज हो सारी एवेन्यूज वहां पे होना चाहिए तो ये चीज़ है लक्ष्य प्रोग्राम इंप्रूव करो सारा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा वो होना चाहिए ट्रेंड होना चाहिए इक्विपमेंट ये सारी चीजें वहां होनी चाहिए पोषण अभियान क्या है शब्दों में जाओ पोषण मतलब न्यूट्रिशन जीरो से छ साल के बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लेक्टेक्टिंग मदर है इन सबको अच्छा खाना देना जरूरी है तो वो है पोषण अभियान स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स बहुत सारे राज्यों में चल रही है जैसे श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश की है जननी सुविधा योजना हरियाणा की है आयुष्मी वेस्ट बंगाल चिरंजीवी असम गुजरात में और ममता फ्रेंडली हॉस्पिटल स्कीम दिल्ली में है ये जो एरिया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये इन स्कीम्स का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप ब्लैंक नहीं हो जाओ ये स्कीम पूछा और आपको ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे ओके अब डिफिकल्टी क्या आती है एक तो हॉलिस्टिक अप्रोच जरूरी है वर्कफोर्स को हम स्ट्रेंदन करें उसके लिए आशा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स भी ये एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है ग्राउंड लेवल पे जाके वो उनको काउंसलिंग भी करती है अच्छी मेडिसिन वगैरह के बारे में एनकरेज भी करती है मोटिवेशन तो ये आशा वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैकबोन है और ये बर्डन है तो इनका वर्कलोड कम करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाने की भी जरूरत है कई बार स्कीम्स का कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट होती है टर्म्स एंड कंडीशंस की वो इम्प्लीमेंट होने में डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाती जैसे सम स्कीम्स आर एप्लीकेबल ओनली इफ द मदर इज 19 इयर्स ऑफ एज और अबव तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए इनकेस अगर मदर नाइनटीन ईयर्स लेस है देन ऑल्सो उसको हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना जरूरी है सो so, ये चीज़ है कई बार ऐसा होता है फर्स्ट चाइल्ड है तो फिर बाद में नहीं होगा तो बिलो पॉवर्टी लाइन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है इधर हम थोड़ा रिलैक्सेशन ईजी जा सकते हैं एटीन ईयर ओल्ड प्रेगनेंट वुमेन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन मोस्ट वलनरेबल होती है सो इट वुड नॉट मेक द कट फॉर सेवरल स्कीम स्कीम्स थोड़ा लिबरल होनी चाहिए जो इस तरीके से डिस्कार्ड नहीं हो एलिमिनेट नहीं करे यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है और डेटा गैप्स भी एड्रेस करना जरूरी है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड नाइनटीन के टाइम पे हमने इसको बहुत देखा कि इसमें डिफिकल्टी आई है

Oh, <music>